स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। आज आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय के गुण। अब इसमें देख रहे हैं, पहले नंबर पर है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। दूसरा है व्यापक पद। तीसरा है x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में मध्य पद। इसमें दो कंडीशन है, जब n एक सम पूर्णांक है, जब n एक विषम पूर्णांक। यह ध्यान दीजिएगा कि यह जो पूर्णांक की बात हो रही है, धन पूर्णांक की बात हो रही है। इसमें तीन है, चौथा है इसमें कि x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में अंत से r धन एकवां पद। चौथा नंबर हो जाएगा इसमें, x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में अंत से r धन एकमा पद, यह चौथे नंबर पर हो जाएगा। पहले इतना समझिए आप, इसमें बताया गया था कि पदों की संख्या, प्रीवियस वीडियो में बताए थे x प्लस ए टू दी पावर n का प्रसार करेंगे तो n से जीरो, x टू दी पावर n, a टू दी पावर जीरो, n से वन, x टू दी पावर n माइनस वन, a टू दी पावर वन, डॉटेड लाइन n से r, x टू दी पावर n माइनस आर, ए टू दी पावर आर, प्लस डॉटेड लाइन n से n, x टू दी पावर जीरो, a टू दी पावर n। यह x प्लस a टू दी पावर n का विस्तार है। और यहाँ पर लिखा है कि पदों की संख्या, अब देख रहे हैं कि x प्लस a टू दी पावर n है, और n वह सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, लेकिन जो भी है जितना इसका पावर होगा उसमें एक जोड़ देंगे। तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की कुल संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या हो जाएगी आपकी n प्लस वन। इसमें जो है पदों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, n प्लस वन। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताए थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी टू दी पावर टू, इसमें पावर दो है तो पदों की संख्या कितनी है, तीन है। अगर तीन घात ए प्लस बी टू दी पावर थ्री है तो पदों की संख्या हो जाएगी फोर हो जाएगी, मतलब थ्री प्लस वन। अब इसमें है व्यापक पद, जनरल टर्म। आपको बताया गया था कि यक्स प्लस ए टू दी पावर एन के प्रसार में व्यापक पद आर धन एकमा पद कहलाता है। यह आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एन सी आर, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू ए टू दी पावर आर, यही जो है व्यापक पद है। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि यक्स प्लस ए टू दी पावर एन के प्रसार में व्यापक पद है क्या, तो आप बताएंगे कि x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में व्यापक पद r धन एकमा पद कहलाता है। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स टू दी पावर n माइनस आर, ए टू दी पावर r, यह आपका हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पर है x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में मध्य पद, मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n। जब n एक सम पूर्णांक है, जब n एक सम पूर्णांक है तो इसका प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या n प्लस वन होगी। अब इसमें ध्यान दीजिए, x प्लस ए टू दी पावर n में यदि n क्या हो, सम हो, n क्या हो, सम हो, तो पदों की संख्या n प्लस वन होगी। अभी बताया गया था पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, n प्लस वन। और यह सम होगा तो n प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, विषम हो जाएगा। अब जैसे समझिए, जैसे हम लिख दें x प्लस ए टू दी पावर टू, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस टू यक्स ए प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें जो है पदों की संख्या क्या हो जा रही है, विषम। पदों की संख्या आपकी n प्लस वन, एन इज इक्वल टू टू है तो टू प्लस वन, तो पदों की संख्या क्या हो गई, या क्या हो गई, विषम हो गई। पदों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी।
यदि x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना होगा तो पहले हमको देखना होगा कि n की भूमिका क्या है, n क्या सम है, सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। यदि n सम पूर्णांक है तो पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि x प्लस ए टू दी पावर 2 का विस्तार करेंगे और n का मान क्या है, 2 है। n क्या है, एक सम पूर्णांक है, तो पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। देख रहे हैं 3 क्या है, विषम है। तो इसमें जो है कि मध्य पद क्रमांक याद करिएगा, इसमें याद करिएगा जब n एक सम पूर्णांक होगा तो इसमें याद करिएगा मध्य पद क्रमांक, इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट, मध्य पद क्रमांक, मध्य पद क्रमांक आपका हो जाएगा n अपॉन 2 प्लस 1। इसका मध्य पद क्रमांक हो जाएगा n अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना। अब जो है यदि n एक विषम पूर्णांक है तो पदों की संख्या, जैसे मान लीजिए कि x प्लस ए टू दी पावर 3 करते हैं तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xa स्क्वायर प्लस a क्यूब, तो इसको काउंट करेंगे तो कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। इसका मतलब यही कह रहा है कि जब n एक विषम पूर्णांक है, जब n एक विषम पूर्णांक है तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या हो जाएगी n प्लस 1, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, जब विषम है तो सम होगा, पदों की संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो इसमें कितने मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद होंगे, ध्यान दीजिएगा 2 मध्य पद। यदि n एक सम पूर्णांक है तो प्रसार करेंगे तो उसमें जो है पदों की संख्या विषम होगी, कब होगी, जब n एक सम पूर्णांक है, तो पदों की संख्या जब विषम होगी तो केवल एक मध्य पद होता है। अब देखिए इसमें x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर, अब इसमें मध्य पद यही तो है आपका, अब दो मध्य पद तो होंगे नहीं, जब भी विषम होगा पदों की संख्या तो केवल एक मध्य पद होगा। यदि पदों की संख्या सम है तो उसमें दो मध्य पद होंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि x प्लस ए टू दी पावर n, x प्लस ए टू दी पावर n जो है, अब n क्या होगा आपका, विषम होगा, n विषम होगा आपका, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, तो इसमें दो मध्य पद होंगे, ठीक है ना। तो इसमें मध्य पद क्रमांक आपका हो जाएगा, अब याद रखिएगा इसमें नोट में, इसमें मध्य पद क्रमांक आपका हो जाएगा, मध्य पद क्रमांक, मध्य पद क्रमांक हो जाएगा n धन 1/2, एक यह हो जाएगा आपका मध्य पद क्रमांक n धन 1/2, और हो जाएगा और n धन 1/2 धन 1, इसमें दो मध्य पद क्रमांक होंगे। इतना आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसमें n एक सम पूर्णांक है तो पदों की संख्या विषम होगी, तो इसमें मध्य पद क्रमांक क्या होगा, n बटे 2 धन 1। इसमें यदि पदों की संख्या, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो पदों की संख्या सम होगी जिसमें दो मध्य पद होंगे, इसमें पहले वाले में एक मध्य पद, दूसरे वाले में दो मध्य पद, तो इसमें मध्य पद क्रमांक होगा n धन 1/2 और n धन 1/2 धन 1। अब इसमें जिसे आप इसको लिखेंगे, अब इस पहले वाले को देखिए जो a नंबर पर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n बटा 2 धन 1, यह मिडिल टर्म, यह निकालने के लिए आपको क्या है, x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना। तो अब यही फार्मूला लगा देंगे जो आप जानते हैं, x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में व्यापक पद r धन 1वां पद कहलाता है, तो अब यहीं पर क्या हो जाएगा, n बटा 2 धन 1, यह क्या काम करेगा, r का काम करेगा। इसको जब भी लिखिएगा या ध्यान रखिएगा r प्लस 1 रहना चाहिए,
जैसे भी आपको लिखना हो कुछ भी रहे प्लस वन, क्योंकि यही लिखने का माध्यम है आर धन ए कमा पर। तो देखिए आर धन ए, तो अब क्या हो जाएगा एन सी आर, आर की जगह क्या एन अपॉइंट टू, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, तो हो जाएगा एन माइनस एन अपॉइंट टू, एन माइनस आर हो गया। अब जो है क्या ए टू दी पावर आर, तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर आर, आर के स्थान पर क्या है आपका यही आपका आर है, तो हो जाएगा एन अपॉन टू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब यही आपकी एक्सरसाइज रहेगा, तो उसमें एन का कुछ मान दिया रहेगा, सम है विषम है जो भी है जैसा रहेगा आपको यह बता दिए हैं। और यह याद रखना है जब एन जो है एक विषम होगा, जब एन एक विषम पूर्णांक होगा तो इसमें दो मध्य पद होंगे, एक मध्य पद क्रमांक यह होगा यन धन एक बटा दू, एक मध्य पद क्रमांक होगा यन धन एक बटा दू धन ए, यही दो मध्य पद क्रमांक होंगे। अब जैसे इसको भी लिखना हो आपको तो बस देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं टी यन धन एक बटा दू है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे आर धन एक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है आर धन एक है व्यापक पद एन सी आर एक्स टू दावर एन माइनस आर ए टू दावर आर, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप टी एन माइनस वन अपान टू प्लस वन। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दू एकम दू तो एन धन एक बटा दू कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यह आर का काम करेगा, यही क्या काम करेगा आर का, तो आर प्लस वन यही ध्यान देना। अब इसको जो है आप जो एक्स प्लस ए टू दी पावर एन का फॉर्म है उसके हिसाब से आप लिख दीजिए एन सी आर, तो एन सी आर के स्थान पर क्या लिखेंगे एन तो रहेगा ही, सी आर के स्थान पर एन माइनस वन अपान टू एक्स टू दी पावर एन माइनस आर एन माइनस वन अपान टू इंटू ए टू दी पावर आर, यही आपका क्या है आर है, तो ए टू दी पावर एन माइनस वन अपान टू ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही इसको लिखना होगा तो यह देखिए खुद बना, इसको बनाना पड़ा, जैसे यन धन एक बटा दू है तो आपका आर प्लस वन के फार्म में रहना चाहिए, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है यन माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो यन प्लस वन अपॉइंट टू आ जाए, इसमें नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए आर प्लस वन तो यह आर प्लस वन हो गया, तो एन सी आर के स्थान पर यन प्लस वन अपॉइंट टू एक्स टू दी पावर एन माइनस एन प्लस वन अपॉइंट टू इंटू ए टू दी पावर एन प्लस वन अपान टू, बस प्रक्रियाएं थोड़े प्रक्रिया नहीं बदलती है, प्रक्रिया तो सेम है, इसको आप जानते रहेंगे। तो आप देखिए आर प्लस वन में यह खुद बना बना है, तो ऐसे हम मिडिल टर्म ज्ञात करते हैं। आपका लास्ट है फार्मूला इसी द्विपद प्रमेय के गुण में कि यक्स प्लस ए टू दी पावर एन के प्रसार में अंत से आर धन ए कमा पद, आपका लास्ट है x प्लस ए टू दी पावर एन के प्रसार में अंत से r धन ए कमा पद, तो इसका सूत्र याद रखिएगा अंत से r धन ए कमा पद बराबर होगा प्रारंभ से n माइनस r धन ए कमा पद, यह फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन आएंगे आपके प्रश्नावली में, तो इसी फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई प्रसार है x प्लस ए टू दी पावर 15 के प्रसार में स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए अचर पद ज्ञात कीजिए, तो लगाने का प्रक्रिया वही है कि माना स्वतंत्र पद या अचर पद जो है r धन एकमे पद में आता है, कभी कह देगा कि x टू दी पावर 5 का गुणांक इसके प्रसार में, तो लगाने की प्रक्रिया वही है कि x टू दी पावर 5 का गुणांक r धन एकमे पद में आता है। तो मूल रूप से इसको याद रखिएगा जो x प्लस ए टू दी पावर एन के प्रसार में व्यापक पद है, व्यापक पद आर धन एकमा पद कहलाता है, यह होता है एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर।